Hello students, how are you all? Students, today we are going to discuss about the most important topic of English grammar, that is tense. What is the topic of our name? Tense. T-E-N-S-E, tense. Okay, we are going to discuss about tense. What is tense? How many of tenses are there? Okay, in this video we discuss about them. Tense is, what is tense? Time of action. That means, whatever the action or whatever the verb, है ना, कोई भी काम, action verb से उसको बोलते हैं ना, verb को, कि कोई भी काम के होने का time क्या है? Time of the action when it is actually happen. कि वो जो कोई भी काम है, वो कब हुआ था? एक्शन के टाइम, उस एक्शन का जो भी काम है उसका टाइम क्या है, इट इज कॉल्ड नाउ कि व्हेन आर एक्चुअल वर्क या एक्चुअल एक्शन इज हैपन, द टाइम ऑफ एक्शन. ओके, टाइम ऑफ एक्शन दैट व्हेन इट इज एक्चुअली हैपन, इट इज कॉल्ड टेंस. कब हमारा कोई भी काम जो है वो कब हुआ, आज हुआ था, कल हुआ था या होने वाला है, इस तरह इस टर्म को हम बोलते हैं टेंस कि हमारा कोई भी काम है वो कब हुआ है बोलते हैं टेंस. ठीक है, टाइम ऑफ एक्शन, कि कोई भी एक्शन है, कोई भी वर्ब हो रहा है, उसका टाइम क्या है, उसको हम बोलते हैं टेंस. ओके, टेंस इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स. हाउ मेनी पार्ट्स? थ्री पार्ट्स. ओके, नंबर वन इज प्रेजेंट टेंस, नंबर टू इज पास्ट टेंस एंड नंबर थ्री इज फ्यूचर टेंस. ओके, नंबर वन इज प्रेजेंट टेंस, नंबर टू इज पास्ट टेंस एंड नंबर थ्री इज फ्यूचर टेंस. प्रेजेंट टेंस, व्हाट इज प्रेजेंट टेंस? प्रेजेंट टेंस मींस द वर्क व्हिच इज हैपेंड इन करंट टाइम इन द रनिंग टाइम, कि जो टाइम अभी है प्रेजेंटली, कोई टाइम अभी है, कोई रनिंग टाइम है, उस टाइम के बीच अगर कोई काम होता है तो उसको हम बोलते हैं प्रेजेंट. ठीक है, कि कोई भी काम अभी रनिंग टाइम में हो रहा है उस काम को हम बोलेंगे प्रेजेंट टेंस. ठीक है, उसके बाद में आता है पास्ट टेंस, द वर्क व्हिच इज ऑलरेडी हैपेंड. ठीक है, ऐसा कोई भी काम जो पहले ही हो चुका है, द वर्क व्हिच इज ऑलरेडी हैपेंड, कि ऐसे कोई भी एक्शंस या वर्क जो पहले ही हो चुकी है उस काम, उस चीज को हम बोलेंगे पास्ट टेंस. और फ्यूचर, द वर्क व्हिच इज हैपेंड इन द अपकमिंग टाइम. ठीक है, और इन द फ्यूचर, जो आने वाले टाइम में, इन द अपकमिंग टाइम में, फ्यूचर में होने वाला काम है, उनको हम लिखेंगे फ्यूचर टेंस के अंदर. ठीक है, प्रेजेंट टेंस के अंदर वही लिखेंगे हम जो अभी करंट टाइम, एट प्रेजेंट क्या काम हो रहा है, करंट टाइम में क्या काम हो रहा है, उसे हम बोलेंगे प्रेजेंट टेंस. उसके बाद में पास्ट टेंस, द वर्क व्हिच इज ऑलरेडी हैपेंड, कि कोई काम पहले ही हो चुका है ना, कोई काम पहले ही हो चुका था, व्हिच इज ऑलरेडी हैपेंड, तो उसके लिए हम लिखेंगे पास्ट टेंस के अंदर. और कोई काम, द वर्क व्हिच इज हैपेंड इन द अपकमिंग फ्यूचर, अपकमिंग टाइम, तो आने वाले समय में जो काम होने वाला होगा उसको हम काउंट करेंगे फ्यूचर टेंस में. ठीक है, सबसे पहली चीज आपको ये पता होना चाहिए टेंस क्या होते हैं, कि व्हाट एवर द टाइम ऑफ एक्शन, व्हेन द एक्शन इज प्रेजेंट मतलब डूइंग, या व्हेन द एक्शन इज हैपन, द टाइम ऑफ एक्शन व्हेन इट इज हैपन, कि एट प्रेजेंट एंड इन फ्यूचर या इन पास्ट, है ना, द टाइम ऑफ एक्शन, इट इज कॉल्ड टेंस. ठीक है, टेंस इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस. यू आर वेरी नॉन अबाउट दैट देयर आर थ्री पार्ट्स ऑफ टेंसेस. ओके, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. इन प्रेजेंट टेंस वी टॉक अबाउट द वर्क व्हिच इज हैपेंड इन द प्रेजेंट टाइम, इन द करंट टाइम. इन पास्ट टेंस वी टॉक अबाउट द वर्क व्हिच इज ऑलरेडी हैपेंड, जो पहले हो चुका था. और इन फ्यूचर वी टॉक अबाउट द वर्क और द एक्शन व्हिच इज हैपेंड इन द अपकमिंग टाइम. ओके, सो दीज आर द पार्ट्स ऑफ टेंसेस. नाउ वी स्टडी प्रेजेंट टेंस विदाउट वर्क. ओके, प्रेजेंट टेंस को हम पढ़ेंगे पर किसके बिना, विदाउट वर्क, यानी वर्क उसमें नहीं यूज करेंगे. पहले प्रेजेंट टेंस को विदाउट
विदाउट वर्ब पढ़ेंगे और उसके बाद आप पास्ट टेंस को भी विदाउट वर्ब पढ़ेंगे। जो ये प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस है ना, इनको और भी डिवाइड कर रखा है, इनको फर्दर और भी डिवाइड कर रखा है, बट वो अभी आपके नहीं है। आपको क्या पढ़ना है, सिर्फ प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में विदाउट वर्ब मैं आपको पढ़ाऊंगी, ठीक है। प्रेजेंट टेंस विदाउट वर्ब, पास्ट टेंस विदाउट वर्ब, फ्यूचर टेंस विदाउट वर्ब जो है वो आपके कोर्स में अभी नहीं है, तो आप जब सीनियर क्लासेस में जाएंगे तब आपको वहां पर पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। बट अभी आज हम सिर्फ क्या पढ़ेंगे, प्रेजेंट टेंस विदाउट वर्ब और पास्ट टेंस विदाउट वर्ब। अब क्या होता है, जैसे हर काम के लिए प्रोसेस होती है, तो इसी तरह प्रेजेंट टेंस विदाउट वर्ब और पास्ट टेंस विदाउट वर्ब के लिए भी एक प्रोसेस है, ठीक है। एक रूल्स बने हुए हैं, उन रूल्स को आपको फॉलो करना होता है और उससे आप सेंटेंस मेकिंग करेंगे, ठीक है। लुक एट द बोर्ड कैरफुली, प्रेजेंट टेंस विदाउट वर्ब, ठीक है, विदाउट वर्ब, और पास्ट टेंस ये भी विदाउट वर्ब, इसमें भी कोई वर्ब नहीं है। और वर्ब क्या होती है, आप सभी को पता है अच्छी तरह से, क्या होती है वर्ब, एक्शन वर्ब्स। द वर्ब टेल अस व्हाट अ पर्सन, एनिमल और थिंग डज, इट्स कॉल्ड एक्शन वर्ब्स, डूइंग वर्ब्स और वर्ब, ओके। इसमें क्या है, वर्ब तो नहीं है बट क्या है कि हेल्पिंग वर्ब, जैसे आपने विदाउट वर्ब। इसका स्ट्रक्चर है, इसका रूल है इसे बनाने का, सब्जेक्ट, कि जो आपका सब्जेक्ट है, जो भी सेंटेंस में वर्क कर रहा है, जो लीड रोल में वो आपका सब्जेक्ट है, उसके बाद में आपको लगाना है इज, एम, आर, दीज आर योर हेल्पिंग वर्ब्स। मैंने क्या बोला, मेन वर्ब जो की आएगी क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब आएगी, इज, एम, आर जो है ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब जिसका रिएक्शन, सब्जेक्ट का रिएक्शन, वह सब्जेक्ट जो है उसका ओवरऑल क्या निकल रहा है, इसका ओवरऑल इसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, दैट इज योर ऑब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस एग्जाम्पल प्लस ऑब्जेक्ट, आपको ये दोनों चीजें, स्ट्रक्चर प्लस आईडी, अगर आपको ये दोनों चीजें याद हो गई कि हाँ प्रेजेंट टेंस का जो आईडी है वो है हू हो, और इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस एग्जाम्पल प्लस ऑब्जेक्ट, अगर आपको सिर्फ दो चीजें याद हो गई ना स्टूडेंट, आप सारे सेंटेंस बना सकते हो। क्या कर सकते हो आप, सारे के सारे सेंटेंसेस आप बना सकते हो, पर उसके लिए क्या होना चाहिए, आपको ये आईडीज लर्न होनी चाहिए, ठीक है। आईडी है हू हो और स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस एग्जाम्पल प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब एग्जाम्पल देखिए आप लोग, यस, तो स्टूडेंट्स आप एग्जाम्पल देखिए, मैंने यहां पर लिखा है आई एम गुड, आप सभी को पता है आई के साथ में क्या आता है, एम आता है, आई के साथ में क्या आता है, एम आता है, यू वी दे, यू वी दे जो भी आपके प्लूरल प्रोनाउन है उनके साथ आर आता है, और ही इज, शी इज, इट इज,
स्ट्रक्चर होता है हूं हो और सॉरी आईडी होती है हूं हो और स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस एजमार प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा ये है प्रोनाउन, आपको पता है आई के साथ एम आता है, ये पता है ना आपको, तो आई के साथ यहाँ पर सब्जेक्ट आई है तो स्ट्रक्चर लगाओगे आप, एम लगा दोगे स्ट्रक्चर को फॉलो करना और फिर ऑब्जेक्ट आ गया आपका। अब आपका सब्जेक्ट जो है वो यू है तो यू के साथ आपको पता है आर आता है तो यू आर और आपका ऑब्जेक्ट आ गया हैप्पी, तो यू आर हैप्पी। इस तरह से आप सेंटेंसेस बना सकते हैं, ठीक है। और आपको याद करना है आई के साथ एम आता है, यू वी दे के साथ में आर आता है, ही शी इट या फिर किसी का नेम है तो उसके साथ इज आता है, दिस के साथ में इज आता है, दीज के साथ में आर आ जाता है, ठीक है। अब इधर आ जाइए, पास्ट टेंस विदाउट वर्ब की जो आईडी है वो है था थी थे। क्या आईडी है इसकी? था थी थे, ये आपको आईडी है। इसमें उसमें क्या हो रहा था? है हूं हो और यहाँ पर है था थी थे। सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यहाँ पर कौन सी हेल्पिंग वर्ब आ रही है? वॉज वर्ब। कौन सी हेल्पिंग वर्ब आ रही है यहाँ पर? वॉज वर्ब। दिस वॉज रानीज डॉल, ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपके वॉज वर्ब से वॉज आ गया और रानीज डॉल आपका ऑब्जेक्ट है। दिस इज योर सब्जेक्ट, दिस इज योर हेल्पिंग वर्ब एंड दिस इज योर ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब दिस के साथ में वॉज आएगा, ही शी इट इट वॉज शी वॉज ही वॉज राम वॉज सीता वॉज, ठीक है। इन सबके साथ में आपको वॉज लगाना है, दिस वॉज दीज वर वी वर यू वर, इन सब के साथ में आपको लगाना है दे वर, यहाँ पर आपको लगाना है वर। अब यहाँ पर दिस था इसलिए मैंने इसके साथ क्या लगाया है? वॉज लगाया है, क्योंकि यहाँ पर मुझे वॉज लगाना पड़ता स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, मेरा सब्जेक्ट है और मुझे यहाँ से वर्ब लेनी थी हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि मैंने ले ली दिस वॉज, ऑब्जेक्ट है रानी डॉल, ये रानी की डॉल थी, थी रानी की डॉल है नहीं थी। दोस वर एरोप्लेन्स, वे एरोप्लेन्स थे, ठीक है, वे एरोप्लेन्स थे। तो यहाँ पर मैंने आईडी का ध्यान रखना है आपको कि आईडी क्या होना चाहिए? था थी थे, और स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए? सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। और प्रेजेंट टेंस में सब्जेक्ट प्लस एजमार प्लस ऑब्जेक्ट, और आईडी क्या होनी चाहिए? है हूं हो। अगर आपको ध्यान रखना चाहिए, अगर आपका सब्जेक्ट आई है तो एम लगेगा, यू वी दे है तो आर लगेगा, दीज है तो आर लगेगा, दिस ही शी इट किसी का नेम है तो इज लगेगा, इधर अगर ही शी इट किसी का नेम है तो वॉज लगेगा, दिस है और दोस दीज यू वी दे है तो आपको वहां पर वर्ड लगाना है, ठीक है। तो बस आपको मेन ध्यान स्ट्रक्चर आईडी पे रखना है, अगर आपको इस चीज ध्यान हो जाएगी तो आपको सेंटेंस बनाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और आपकी सेंटेंस जो है वो ट्रांजिशन है, जैसे आप हैज और हैव में ट्रांजिशन करते हैं उसी तरह से आपके इज एम आर और वॉज वर्ब के भी ट्रांसलेशन ही आएंगे। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड इट केयरफुली, थैंक यू, हैव अ गुड डे।